देखिए, आम आदमी पार्टी आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में पदयात्रा निकाल रही है और एक साथ ये पदयात्रा निकलेगी पूरे जिले में। ये पदयात्रा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी पदयात्रा निकाल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बराबर महंगाई के प्रति जनता को जागरूक कर रही है और पूरे देश में जो है जनता महंगाई की जो मार झेल रही है, शायद इससे पहले भारत के 70 साल के इतिहास में ऐसी महंगाई नहीं देखी। और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हुए ये बताना चाहती है कि ये महंगाई जनता क्यों झेल रही है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे को माफ करने के कारण जो पैसे की कमी पड़ी है वो जनता से महंगाई के रूप में वसूला जा रहा है। ये बात जनता को पता होनी चाहिए कि जो जनता टैक्स देती है, जिस टैक्स से जनता के विकास कार्य और जनता के लिए कार्य किया जाता है, वो पैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दोस्तों के लिए जो लिए गए कर्जे थे उसके माफ कर दिए गए हैं। इतनी मेहरबानी जो है उद्योगपति मित्रों के लिए कर रहे हैं और इस देश की जनता रोटी रोटी के लिए मोहताज होती चली जा रही है। इसी चीज की जागरूकता के लिए, इसी को बताने के लिए आम आदमी पार्टी आज पद यात्रा कर रही है और जनता पूरे देश की प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही है कि आखिर आपने अपने दोस्तों के कर्जे जो माफ किए हैं उसकी भरपाई हमसे क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लोग खड़े हुए हैं पूरी तरीके से, और यहाँ जिस तरीके से बेरोजगारी और जो महंगाई बढ़ी हुई है, इन सबका मूल कारण भ्रष्टाचार है। हमारे गैर सत्ता पक्ष का अगर एक विधायक बनता है यहाँ पे 100-150 करोड़ कमा के ले जाता है। सत्ता पक्ष का विधायक कम से कम 150 से 300 करोड़ कमाता है, और एक हमारा कैबिनेट मंत्री बनता है कम से कम 10,000 करोड़ लूट के ले जाता है हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष का। तो ये हम लोगों का जो लूट के धन जो इकट्ठा करा जा रहा है, और यही इसको रोकना है हमें। और तिरंगे का अपमान तभी बढ़ेगा, या हमारी भारत माता की शान तभी बढ़ेगी जिस दिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के हाथ में तिरंगा ना होके ईमानदार लोगों के हाथ में तिरंगा होगा, उसी दिन हमारे देश की शान बढ़ेगी। और उसी दिन सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, समझे, सही से लोगों को दवाई सुविधा मिलेंगी, और बिजली और ये पानी सब समझे मुफ्त मुहैया होना चाहिए, ये हमारी केजरीवाल सरकार जो है कर रही है इस तरीके से दिल्ली में। और हम लोग आज जो है तिरंगा, मतलब तिरंगा लेके हाथ में निकलेंगे, और हम लोग एक देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि बेरोजगारी फैली हुई है जिस तरीके से, और 15 लाख करोड़ का जो मोदी जी ने अपने मित्र मंडलियों को जो पैसा बांटा है जिस तरीके से, उसका दुरुपयोग हमारे किया, उसकी महंगाई की मार जो हमें 1100 रुपये के सिलेंडर लेना पड़ रहा है, 200 रुपये में हमें जो है पता लगा तेल लेना पड़ रहा है, हमें दालें 200-200 रुपये में लेनी पड़ी, सब्जियाँ महंगी है, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, यहाँ तक कि GST लगा रखी है, बताइए खाने के दामों में, दूध पे तक GST लगी है, दूध